Assalamu alaikum. I hope you all are fine and must be getting lot of benefits from our online course of entry test. As you know, we have finished with parts of speech and we did certain error exercises as well, MCQs bhi awanke dina. Aaj asa now topic start kandasi jekhe asi cha chavna ayun, tense, right? हाँ बेसिकली टेंस है आम तौर से यो बुधाई तो बबा टेंस चब टेंस इज अ टाइम पर अड़ी का गाल है को टेंस टाइम के ना चबो असें नंढे ला यो पढ़ाया वो द वर्ड टेंस हैज बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड टेंपस टेंपस मीन्स टाइम एंड देर आर थ्री टाइम्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर बट देर इज नो सच अ थिंग लाइक दिस व्हाट एक्चुअली टेंस इज नॉट अ टाइम बट इट इज ओनली अ वर्ब फॉर्मेशन दैट शोज एस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड एस्पेक्ट ऑफ एक्शन इन अदर वर्ड्स we learn to write and speak about our present action in these tenses, right? रोज़मर्रा जा जेके कम हूंदा आहिनि पॉसिबिलिटीज़ हूंदियूं आहिनि उन्हनि जे बारे में असां पढ़ंदा आहियूं इनखे बेसिकली टेंस चइबो आहे हाणे जीअं तव्हां ॿुधो हूंदो त टेंस टोटल 12 हूंदा आहिनि इहा ॻाल्हि ग़लति आहे टेंस 3 हूंदा आहिनि इहो अहिड़ी का ॻाल्हि कान्हे का अंग्रेज़ी में जेके टेंस हूंदा आहिनि सिर्फ़ु 2 हूंदा आहिनि ठीकु आहे या त अंग्रेज़ी में 2 टेंस आहिनि जेकॾहिं 2 नथा मञो त पोइ 3 बि कोन्हनि 12 बि कोन्हनि पर बहरहाल मां हिन वीडियो लेक्चर में हिन ॻाल्हि खे एक्सप्लेन नथो करे सघां लेंदी थी वेंदो पाण फ़िलहालु डायरेक्ट अचूं था प्रेज़ेंट सिंपल टेंस ऐं प्रेज़ेंट इनडेफिनिट टेंस ते इहो अव्हांजो पहिरियों टेंस आहे न वॉट इज़ प्रेज़ेंट सिंपल टेंस सी द डेफिनेशन डेफिनेशन छा आहे दिस टेंस शोज़ रूटीन एक्शन यूनिवर्सल ट्रूथ ऑर फैक्ट एंड हैबिट इहा हिन जी प्रेज़ेंट सिंपल जी डेफिनेशन आहे प्रेज़ेंट सिंपल छा कंदो आहे रूटीन एक्शन के ज़ाहिर कंदो आहे यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि कायनाती सच आर फैक्ट या आदत एंड हकीकत एंड देन हैबिट आदत के ज़ाहिर करे तो जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो टेंस इज़ नॉट अ टाइम बट इट इज़ ओनली अ वर्ब फॉर्मेशन त ही हुनखे वर्ब फॉर्मेशन चइबो आहे वॉट इज़ वर्ब फॉर्मेशन एक्चुअली वर्ब फॉर्मेशन इज़ एक्चुअली द स्ट्रक्चर द सेनेटिक्स हाउ यू विल मेक अ सेंटेंस ऑफ प्रेज़ेंट सिंपल टेंस इन इंग्लिश त हुनजे लाइ तव्हांखे छा खपंदो पहिरें सब्जेक्ट खपंदो पोइ वर्ब जी फस्ट फॉर्म खपंदी ऐं उनखां पोइ तव्हांखे छा खपंदो ऑब्जेक्ट खपंदो सो यू नीड वॉट यू नीड सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ओके सो इफ देयर इज़ आई वी यू दे एंड नेम प्लूरल यादि रखो जॾहिं बि असां सब्जेक्ट वर्ब ऐं ऑब्जेक्ट खणंदा आहियूं त पोइ जेकॾहिं सब्जेक्ट जी जाइ ते छा आहे आई वी यू दे नेम प्लूरल सब्जेक्ट जी जाइ ते जेकॾहिं आई वी यू दे नेम प्लूरल आहे छा कंदासीं वी विल नॉट यूज़ एस आर ई एस विद योर वर्ब्स त आई वी यू दे सां जेके असां वर्ब हणंदासीं उन्हनि वर्ब सां एस या येस जो इस्तेमालु न कंदासीं ऐं जेकॾहिं अव्हांजी सब्जेक्ट जी जाइ ते ही शी इट आई नेम सिंगुलर आहे वी यूज़ एस आर ई एस विद वर्ब्स त रूल इहो आहे त जॾहिं सब्जेक्ट जी जाइ ते ही शी इट अची वञनि त पोइ तव्हां इन्हनि सां छा इस्तेमालु कंदव एस या ई एस इस्तेमालु कंदव एंड हाउ वी विल यूज़ एस एंड ई एस वी विल यूज़ एस एंड ई एस अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग रूल्स वी लर्नड इन अवर थर्ड लेक्चर आर फोर्थ आई गेस त छा जॾहिं वर्ब सी एच एस एच ओ एक्स ऐं डबल एस ते ख़तमु थींदो हुन में ई एस हणंदासीं नथो ख़तमु थिए एस हणंदासीं को बि वर्ड वाए ते थो ख़तमु थिए वाए जे अॻियां वा विला एस लॻंदो वाए जे अॻियां कॉन्सनंट आहे वाए हटा आई एस हणंदासीं त यू विल फॉलो दीज रूल्स इनखे तंहिंजे करे असीं चवंदा आहियूं त किन वर्ब सां एस लॻंदो आहे किन सां ई एस लॻंदो आहे एंड सटेनली किन सां असां आई एस बि हणंदासीं जीअं फ्लाए आहे सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट सेंटेंस मिसाल आई टीच इंग्लिश हाणे जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो हिन में असांखे छा जी ज़रूरत हूंदी आहे आई इज़ वॉट इज़ यूअर सब्जेक्ट टीच इज़ वॉट इज़ यूअर वर्ब एंड इंग्लिश इज़ वॉट इंग्लिश इज़ यूअर ऑब्जेक्ट सो आई टीच इंग्लिश ठीकु आहे मां अंग्रेज़ी पढ़ायां थो हाणे ॾिसो सिंधी में पहिरें मां सब्जेक्ट आहे अंग्रेज़ी ऑब्जेक्ट आहे ऐं पढ़ायां थो छा आहे अव्हांजो वर्ब आहे त सिंधी में पहिरें छा ईंदो आहे सिंधी में पहिरें ईंदो आहे सब्जेक्ट पोइ ईंदो आहे ऑब्जेक्ट ऐं पोइ ईंदो आहे वर्ब पर अंग्रेज़ी में छा आहे पहिरें सब्जेक्ट ईंदो आहे पोइ वर्ब ईंदो आहे पोइ ऑब्जेक्ट ईंदो आहे मां हाणे अकॉर्डिंग टू दिस माना हिन जी ट्रांसलेशन न कंदुमि त आई इंग्लिश टीच मां छा चवंदुमि आई टीच इंग्लिश बिकॉज सब्जेक्ट वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट अहिड़ी तरह सां वी फॉलो ट्रुथ असां अच्छा हिन जी सिंधी ॿिनि तरीक़नि सां थींदी मां अंग्रेज़ी पढ़ायां थो या मां अंग्रेज़ी पढ़ाईंदो आहियां जस्ट लाइक वी फॉलो ट्रुथ असां सच जी पैरवी कयूं था या असां सच जी पैरवी कंदा आहियूं ओके इन सेम वे यू वॉच कार्टून्स दे केच अ बर्ड एंड बॉइज़ गो टू स्कूल एंड बर्ड्स फ्लाई इन द एयर हाणे तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि नोट कई हूंदी
ही जेके वर्ब इस्तेमाल कया नु आई वी यू दे आई ही जेके नेम प्लुरल बॉयज एंड बर्ड्स यू नेम प्लुरल हनन सा ही जेके मु वर्ब इस्तेमाल कया हन तवा दिसना हुंदा त हनन वर्ब सा गड मु एस या ईएस जो इस्तेमाल ना है कयो व्हाई आई डिडंट यूज एस एंड ईएस द सिंपल रीजन इज दिस छकाण त हन वर्ब खा पहिरें जेको सब्जेक्ट जी जाइ ते आई वी यू दे आई नेम प्लुरल आहे होपफुली यू गॉट इट हाणे असां ईंदासीं हिननि सेंटेंसिस ते ॾिसो हिते हाणे सब्जेक्ट जी जाइ ते छा आहे ही शी इट अली अबुआ एंड द बर्ड दीज आर नेम सिंगुलर रूल इहो आहे त जेकॾहिं अव्हांजे सब्जेक्ट जी जाइ ते ही शी इट ऐं नेम सिंगुलर अची वञे त पोइ असां छा कंदासीं इन्हनि वर्ब सां एस या ईएस जो इस्तेमालु कंदासीं फर्स्ट कयो ही डैश इंग्लिश त हिते साॻियो ई असां छाणंदासीं ही टीच इंग्लिश इज दिस राइट सेंटेंस ही टीच इंग्लिश इहो ग़लति आहे छो ग़लति आहे छाकाणि त असां हिन में छाजो इज़ाफ़ो कंदासीं हाणे ई एस जो इज़ाफ़ो कंदासीं वी वुड से ही टीचिस इंग्लिश छो छाकाणि हिते जेको सब्जेक्ट आहे उहो ही आहे रूल छा आहे ही शी ईट ऐं नेम सिंगुलर हूंदो त हुते वर्ब सां एस ऐं एस आणिबो आहे इन सेम वे वी फॉलो ट्रुथ ऐं मां हिते अगरि हीअं थो लिखां त शी फॉलो ट्रुथ इहो बि जुमिलो ग़लति थी वियो असीं छा लिखंदासीं शी फॉलोस ट्रुथ वाए बिकॉज़ शी इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर इन सेम वे हिनखे इज़ाफ़ी तौर ते लिखी था सघूं इट रेन्स मींहुं वसे थो या मींहुं वसंदो आहे अली वॉचिस कार्टून्स अ बॉय असां हाणे छा लिखंदासीं गोस टू स्कूल ऐं अहिड़ी तरह अ बर्ड फ्लाइज इन द एयर सो यू सी टीचिस फॉलोस रेन्स वॉचिस गोस एंड फ्लाइज ही वर्ब आहिनि ऐं साॻा टीच फॉलो वॉच केच ही साॻा माना मथे बि लिखिया आहिनि पर डिफरेंस छा आहे हिननि में असां एस ऐं एस न आयो आहे हिननि में असां एस ऐं एस आयो आहे हिननि में असां एस ऐं एस छो आयो आहे द रीज़न इज़ दिस छाकाणि त इहे ही शी इट ऐं नेम सिंगुलर ते ख़तमु थियनि था अञा जेकॾहिं मां तव्हांखे सादे अंदाज़ सां सम्झायां त फर्स्ट कयो मां वरी लिखां थो जेकॾहिं सब्जेक्ट जी जाइ ते आहे वी यू दे ऐं नेम प्लुरल आहे जीअं बॉइस ओके त हाणे असां छा कंदासीं हिननि सां जॾहिं मां वर्ब हणंदुमि जीअं राइट आहे या जीअं विश आहे ठीकु हाणे मां छा चवंदुमि आई राइट वी राइट यू राइट दे राइट बॉइज़ राइट आई विश वी विश यू विश दे विश एंड बॉइज़ विश पर जेकॾहिं ही शी इट ऐं नेम सिंगुलर आहे त हाणे मां छा कंदुमि हिते जॾहिं मां राइट लिखंदुमि ऐं हिते जॾहिं मां विश लिखंदुमि छाकाणि त हिते ही शी इट ऐं नेम सिंगुलर आहे त हिते छा चवंदुमि ही राइट्स शी राइट्स इट राइट्स अ बॉय राइट्स एंड देन ही विशिज शी विशिज इट विशिज एंड अ बॉय विशिज नाउ वॉट मोर दैट वी नीड टू डू इज टू चेंज दीज सेंटेंसिस इन टू इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव एंड देयर इज़ अ रूल अव्हांखे ख़बर हूंदी त जॾहिं असां अंग्रेज़ी में टेंस ठाहींदा आहियूं त हुन जा चारि फॉर्मेट हूंदा आहिनि इंट्रागेटिव नेगेटिव एंड देन अफर्मेटिव हाणे ही जेके बि जुमिला तव्हां ॾिसो था ही सभु जा सभु जुमिला कहिड़ा जुमिला आहिनि ही सभु जा सभु अव्हांजा अफर्मेटिव सेंटेंसिस आहिनि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि बयानिया जुमिलो हाणे छा कबो आहे त ही जेके अफर्मेटिव सेंटेंसिस मूं लिखिया आहिनि इन्हनि अफर्मेटिव सेंटेंसिस खे असीं चेंज कंदासीं छा में असां हिननि खे चेंज कंदासीं इंट्रागेटिव में नेगेटिव में ऐं इंट्रागेटिव नेगेटिव में पोइ रूल छा हूंदो रूल इहो आहे पुट त जेकॾहिं सब्जेक्ट जी जाइ ते आई वी यू दे ऐं नेम प्लुरल हूंदो त इन्हनि खे इंट्रागेटिव नेगेटिव करण जे लाइ छा हणंदासीं डू हणंदासीं ऐं जेकॾहिं ही शी इट ऐं नेम सिंगुलर आहे त इन्हनि जे इंट्रागेटिव नेगेटिव करण जे लाइ असां छा हणंदासीं डज़ हणंदासीं ठीकु आहे पर जेको डज़ लॻण खां पोइ हिननि जो एस ऐं ईएस आहे उहो ख़तमु थींदो इहा ॻाल्हि यादि रखिजो ठीकु आहे जीअं गोली लॻण सां डज़ माण्हू ख़तमु थींदो आहे हिते डज़ लॻण सां एस ऐं ईएस ख़तमु थी वेंदी आहे पोइ हीअ अवाज़ अफर्मेटिव सेंटेंसिस आहिनि ठीकु आहे हाणे हिननि खे पाण चेंज करणु सिखंदासीं इंट्रागेटिव में नेगेटिव में ऐं असांखे हाणे बोर्ड जे हुन पासे हलणो अफर्मेटिव सेंटेंस पाण हिते खणूं था आई टीच इंग्लिश हाणे बाबा जॾहिं आई टीच जो इंट्रागेटिव कंदासीं त छा लिखंदासीं डू आई टीच इंग्लिश ओके इंट्रागेटिव जी निशानी नेगेटिव छा थींदो आई डू नॉट टीच इंग्लिश ही अव्हांजो नेगेटिव थी वियो ऐं पोइ डू आई नॉट टीच इंग्लिश ही अव्हांजो
इंट्रोगेटिव नेगेटिव थी सो डू आई टीच इंग्लिश जी सिंधी छा थिंदी छा मा अंग्रेजी पढ़ाया तो ओ मां अंग्रेजी न पढ़ाया तो आई छा मां अंग्रेजी न पढ़ाया तो ठीक है आई अड़े हिसाब से मां एकड़ो को अफर्मेटिव सेंटेंस इते लिखा तो जी ही स्पीक्स ट्रूथ ठीक है ही अवां जो अफर्मेटिव सेंटेंस आ पर आनी ते ही आ जी मु ताके बुदायो ता जेकने ही शी इट ए नेम सिंगुलर आ ता इनन जे इंट्रोगेटिव नेगेटिव जेला डज आई वु यू दे नेम प्लुरल आ इनला डू तो हाणी ते असा डज अनदाजी ही स्पीक्स ट्रुथ असी छा लिखंदाजी डज ही स्पीक ट्रुथ आई डज लगण सा एस मरी वई ठीक आ एड़ी तरह सा ही डज नॉट स्पीक ट्रुथ एंड देन डज ही नॉट स्पीक ट्रुथ ठीक आ तो ही अवाजा इंट्रागेटिव नेगेटिव थिया हाँ तुम कव जो बाकाया जो अफर्मेटिव सेंटेंसिस इन पास लिखल तुम्हें इन सही नमूने इंट्रागेटिव नेगेटिव करे वेंदव अच्छा वो प्रैक्टिस कजो पान हाँ अगर मैं इतने जुमलो लिखा शी डज हर वर्क ही अफर्मेटिव सेंटेंसिस है ना सेंटेंस शी डज हर वर्क हाँ मुख्य तुझाओ इन जो इंट्रागेटिव छो तो मना अजाब आ पा रुगो कैमरा के पाया ऐसू क्लास में हुआ तो हिसाब किताब भलो थे पर खैर शी डज हर वर्क इन जो इंट्रागेटिव बुधा डज ठीक शी पो हर वर्क वेरी गुड तुम इन हों खबर आध का इन ना इंट्रागेटिव डज शी हर वर्क इन डज के अग्न खी आया इन न किया हलो ठीक हाँ ऐसो बाबा शी डज हर वर्क शी अवान जो सब्जेक्ट आ डज अवान जो वर्ब आ हर वर्क अवान जो ऑब्जेक्ट आ तो इन जो सही जुमलो डज शी डू हर वर्क ठीक है अस डज पांजे तरफा हणंदा आयो ही मिसाल जे कदे मा हिने छा इने करे सका तो स्पीक्स ही ट्रुथ यो जुमलो छई इने स्पीक हेडे खणी जा स्पीक्स ही ट्रुथ यो जुमलो सही थिंदो गलत थिंदो ना तो इन डज के अगिया किया खणी इंदो डज पांजे तरफा हणंदा आयो डज जडे पांजे तरफा आयो सी त ही एस खतम थियो त ही डू थियो ठीक आ शी पो जुमलो थिंदो डज शी डू हर वर्क आई नेगेटिव छा थिंदो शी डज नॉट डू हर वर्क ओके अड़ी तरह अगर मां लिखा आई डू माई वर्क तो इन जो इंट्रागेटिव आई डू माई वर्क डू आई डू माई वर्क ठीक है इन न चो तो डू आई माई वर्क यो गलत थी वेंद ठीक है डू आई डू माई वर्क वुड बी राइट सेंटेंस सो फिलहाल अव समझी प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस इंट्रागेटिव नेगेटिव इंट्रागेटिव नेगेटिव ठीक है हाँ वही अस प्रेजेंट सिंपल में अगे हल्दी okay we still continue with the present simple tense and we will learn something more about it pana definition padhi present simple ji hua chahe this tense shows present action universal truth affect and habit theek a ai jade mu taake tense ji definition budhai hua chahe ta diso tense is not time but it is only a verb formation that shows aspect of time and aspect of action to jade asa present simple padhanda si ta unya mukhtalif aspects mana rukh pehlu padhanda si मिसाल प्रेजेंट सिंपल जो एकड़ो रुख या पहलू को उनका खोड़ा सारा पहलू आन जी अस पढ़ूँ एकड़ो तो पा रूटीन एक्शन वो कर आयासी हाँ छाए यूनिवर्सल ट्रुथ आर फेक प्रेजेंट सिंपल टेंस जो वो कायनाती सच के लिए इस्तेमाल माना एनीथिंग यू से दैट इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल ट्रुथ राइट मिसाल द सन राइजिज इन द ईस्ट सिज ओभर का उभरे तो द स्टार शाइन एट नाइट तारा रात जो चमकंदा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऐं ज़मीन सिज जे चौधारी घुमे थी सो वैन यू टॉक अबाउट दी वैन यू टॉक दीज थिंग्स अबाउट यू नो यूनिवर्स दैट वुड बिकम अ यूनिवर्सल ट्रुथ आर इवन जॾहिं असीं चवंदा आहियूं त ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी दिस इज़ ऑल्सो अ यूनिवर्सल ट्रुथ त का अहिड़ी शइ जंहिंखे सॼी दुनिया में हिकु तौर ते मञियो वञे उनखे काइनाती सच या हक़ीक़त चइबो आहे ऐं उन्हनि खे हमेशह प्रेज़ेंट सिंपल में लिखिबो आहे द सन राइज़िज़ इन द ईस्ट जी तव्हांखे ख़बर आहे हिन जो मतिलबु आहे त सिजु ओभर खां उभिरे थो ठीकु आहे
ऐं तव्हां इहो थी सघे थो अवां पढ़ियो हुजे त असां जॾहिं डायरेक्ट ऐं इनडायरेक्ट पढ़ंदा आहियूं त डायरेक्ट ऐं इनडायरेक्ट में तव्हांखे ख़बर आहे न यूनिवर्सल ट्रूथ जा सेंटेंसिस पास सिंपल में चेंज न थींदा आहिनि छो न थींदा आहिनि छाकाणि वेन एवर एक्चुअली वी टॉक अबाउट यूनिवर्स त उनखे प्रेज़ेंट सिंपल टेंस में ई लिखियो वेंदो आहे ठीकु आहे त हीअ यूनिवर्सल ट्रूथ बि आहे साॻी जाइ ते फैक्ट बि आहे उनखां पोइ पाण अचूं था हैबिट ते हाणे हैबिट माना आदत बेसिकली प्रेज़ेंट सिंपल जो जेको ॿियो नालो आहे उहो हैबिचुअल टेंस आहे उहो छो हैबिचुअल टेंस आहे छाकाणि प्रेज़ेंट सिंपल असांखे प्रेज़ेंट एक्शन जे बारे में न ॿुधाईंदो आहे प्रेज़ेंट सिंपल असांखे हैबिचुअल एक्शन्स जे बारे में ॿुधाईंदो आहे प्रेज़ेंट एक्शन जे बारे में असां प्रेज़ेंट कंटिन्यूअस इस्तेमालु कंदा आहियूं ठीकु आहे प्रेज़ेंट सिंपल हाल जे बारे में न आहे ॿुधाईंदो प्रेज़ेंट सिंपल माज़ी ॿुधाए सघे थो प्रेज़ेंट सिंपल मुस्तक़बिल ॿुधाए सघे थो पर प्रेज़ेंट सिंपल हाल घटि माना 2-5% ॿुधाईंदो हूंदो अदरवाइज़ जेको प्रेज़ेंट सिंपल आहे उहो वधि खां वधि रूटीन एक्शन खे ज़ाहिरु कंदो आहे मिसाल फ़र्ज़ु कयो अगरि केरु मूंखां पुछे वा तव्हां छा कंदा आहियो त मां चवंदुमि आई टीच इंग्लिश हाणे इहा मूंखां केरु माण्हू इहा ॻाल्हि राति जो नाहे ॾहें पुछी सघे थो मां किथे घर में या होटल ते वेठो हुजां त केरु मूंखां पुछे तूं छा कंदो मां चवंदुमि आई टीच इंग्लिश पर मां ओॾी महिल अंग्रेजी त न पढ़ाए रहियो हूंदो आहियां त हाउ इज़ इट अ प्रेज़ेंट एक्शन ठीकु आहे फ़र्ज़ु कयो आई ईट फूड मां खाधो खावां थो हाणे ॾिसो खाधो खाइणु टी वी ॾिसणु स्कूल वञणु सेंटर वञणु यूनिवर्सिटी वञणु इहे असांजा रूटीन एक्शन्स हूंदा आहिनि प्रेज़ेंट एक्शन न आहिनि हूंदा तंहिंजे करे प्रेज़ेंट सिंपल प्रेज़ेंट एक्शन ज़ाहिरु न आहे कंदो पास्ट एक्शन माज़ी ॿुधाए सघे थो मुस्तक़बिल ॿुधाए सघे थो आहे इहा ॻाल्हि तव्हां ॿिए कंहिंखे न ॿुधाइजो वरी त पाण तव्हांखे गारियूं अलॻि मिलंदियूं मूंखे बि ॾींदा ही छा पियो पढ़े ठीकु आहे पर मां एक्सप्लेन कंदुमि त कीअं फ़र्ज़ु कयो अच्छा छाकाणि त प्रेज़ेंट सिंपल रूटीन एक्शन ॾिसंदो आहे तंहिंजे करे हुनखे असीं हैबिचुअल टेंस बि चवंदा आहियूं जीअं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग मां सुबुह जो सवेर उथंदो आहियां सुबुह जो सवेर उथणु मुंहिंजी आदत आहे शी ड्रिंक्स वाटर बिफोर हैविंग टी चांहि पीअण खां अॻु में हूअ पाणी पीअंदी आहे देट इज़ इज़ हैबिट एंड ही वॉक्स टू वर्क हू पंहिंजे ऑफिस या कम ते पंधु वेंदो आहे दे स्मोक उहे सिगरेट पीअंदा आहिनि हाणे सिगरेट पीअणु ठीकु आहे चांहि पीअण खां पाणी पीअणु सुबुह जो सवेर उथणु पंधु ऑफिस वञणु इहे छा आहे बेसिकली इहे असांजा हैबिचुअल एक्शन्स आहिनि ठीकु आहे छाकाणि जेका शइ रूटीन सां कभी रूटीन सां का शइ तव्हां कंदा रहंदा त उहा बाद में हैबिट ई थियणी आहे तंहिंजे करे उनखां पोइ असां अचूं था यूज़ ऑफ से प्रेज़ेंट सिंपल में यूज़ ऑफ से मां छा मुरादु आहे मिसाल द बुक्स इज़ नथिंग हाणे हिन जी सिंधी कंहिंखां पुछो द बुक्स इज़ नथिंग त हुनजी माना इहा ई ॿुधाईंदा त किताबु कुझु नथो चए हालांकि किताबु ॻाल्हाईंदो कोन्हे त पोइ हिते जॾहिं असां प्रेज़ेंट सिंपल में से खे लिखंदा आहियूं त हिन जो मतिलबु छा हूंदो आहे रिटन हिते से माना चवणु कोन्हे लिखियलु हुजणु आहे ठीकु आहे द बुक्स इज़ नथिंग मतिलबु किताब में कुझु लिखियलु न आहे वाट द लेटर सेज़ इन ख़त में छा लिखियलु आहे द नोटिस बोर्ड सेज़ नो स्मोकिंग इहो जेको नोटिस बोर्ड आहे उहो उन ते लिखियलु आहे त तंबाकू नोशी मना आहे त हीउ हिकिड़ो ॿियो एस्पेक्ट आहे प्रेज़ेंट सिंपल जो प्रेज़ेंट सिंपल जो हिकिड़ो एस्पेक्ट छा आहे इट शोज़ रूटीन एक्शन प्रेज़ेंट सिंपल जो ॿियो एस्पेक्ट छा आहे इट शोज़ यूनिवर्सल ट्रूथ आर फैक्ट चोथो माना हीउ छा थियो हैबिट ठीकु आहे बाक़ी वरी ही जेके आहिनि पाण हाणे नंढा ईंदासीं ओके दिस टेंस इज़ यूज़्ड इन द हेडलाइंस ऑफ न्यूज़ पेपर अगरि कॾहिं ज़िंदगी में डॉन अख़बार पढ़ी अथव या का अंग्रेज़ी अख़बार पढ़ी अथव त तव्हां शायदि इहो ॼाण हैरान थी वञो त हुनजी जेका हेडिंग हूंदी आहे न डॉन अख़बार जी हुनजी जेका सुर्ख़ी हूंदी आहे ठीकु आहे त उहो जेका ख़बर रिपोर्ट कई वेंदी आहे उहा मेजॉरिटी में वधि प्रेज़ेंट सिंपल में कई वेंदी आहे मीन्स तव्हां पास सिंपल बि लिखी सघो था पर उनखे छा में इस्तेमालु कयो वेंदो आहे ज़्यादातर प्रेज़ेंट सिंपल में इवन तव्हां BBC ॾिसंदा न हुनजी हेडलाइंस ते जेका नई ख़बर उहे पेश कंदा आहिनि उहा सदाई प्रेज़ेंट सिंपल में लिखंदा आहिनि ठीकु आहे सो हीउ इन जो ॿियो एस्पेक्ट आहे त असां प्रेज़ेंट सिंपल खे अंग्रेज़ी अख़बारुनि जी सुर्खियुनि जे लाइ बि इस्तेमालु कंदा आहियूं हेडिंग्स जे लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं हाणे ॾिसो हेडिंग्स छा आहे अ गर्ल डाइज़ इन रोड एक्सीडेंट हाणे हिन जो मतिलबु छा थियो अ गर्ल डाइज़ इन रोड एक्सीडेंट रोड हादसे में छोकिरी फोत थिए थी ठीकु आहे द पीस टॉक्स फेल अमुन जूं ॻाल्हियूं नाकाम थियनि थियूं अ बम एक्सप्लोड्स इन द मार्केट ठीकु आहे बाज़ारि में बम फाटे थो पाकिस्तान विन्स बाए 50 runs ऐं पाकिस्तान 50 runs खां खटे वञे थो हाणे हीअ चारई जुमिला जेकॾहिं तव्हां ॾिसंदा जेके छा में लिखियल आहिनि प्रेज़ेंट सिंपल में लिखियल आहिनि पर डोंट यू थिंक दे एक्चुअली टॉक अबाउट पास्ट मिसाल अ गर्ल डाइज़ इन रोड एक्सीडेंट ठीकु आहे एक्सीडेंट थियो छोकिरी मरी वई इहो माज़ी आहे या हाल आहे ज़ाहिरा ख़बर ठही माज़ी आहे पर जॾहिं असां हुन माज़ीअ जी ख़बर खे ठाहियो
तो कड़े टेंस में ठा प्रेजेंट सिंपल में के अगर मां इतने चव तो प्रेजेंट सिंपल माजी जाहिर तो करे तो गलत ना या सही हाँ ठीक है। अड़ी तरह ऐसो द पीस टॉक्स फेल्स ब कंट्रीज पो पान में वेठा उन्होंने पान में कचहरी कई पीस टा हम उन बारे में मुल्क अवा नाकाम थी उथी हलया हर को घर पर जडे या मां हेडिंग्स दींदुम अखबार में तो वह कड़े में होंगी प्रेजेंट सिंपल में हालांकि पास्ट पे ऐसे बम फाटो खबर तदें ठहनी ना राइट पाकिस्तान खटे वो तद अस चवी ना पाकिस्तान यो माजी थो ना तो अस माजी के भी लिखा प्रेजेंट सिंपल में लिखा तदें तक ना प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट एक्शन ऐसी ही को ठीक है। इट शोज रूटीन एक्शन इट शोज पास्ट एंड नाउ यू कैन सी हेयर इट शोज फ्यूचर एज वेल। मिसाल दिस टेंस इज यूज फॉर फ्यूचर एक्शन राइट फ्यूचर रूटीन एक्शन असि इनके चवना बेसिकली दिस टेंस इज यूज फॉर फ्यूचर एक्शन। मुस्तकबिल के लिए भी प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल हाँ मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल ऐसो आई गो टू कराची टुमारो आई गो टू कराची टुमारो वाट इज टुमारो टुमारो इज फ्यूचर। सो हेयर प्रेजेंट सिंपल टेंस एक्चुअली शोज समथिंग अबाउट फ्यूचर हाँ तुम सिंधी इंज कर सोता कराची वहां तो ची सोता सुे कराची वेंदुस नो प्रॉब्लम। अड़े हिसाब से द स्कूल्स ओपन नेक्स्ट वीक ठीक है इंदड़ हफ्ते स्कूल खुलन था हाँ नेक्स्ट वीक है फ्यूचर आ काश इंजे थी वे ठीक है नंढड़ा बार खी बदाऊँ डींदा पर जी प्राइवेट अस मास्तर जी वेचारा प्राइवेट या सफा खुआर थी हूँ ओके द स्कूल्स ओपन नेक्स्ट वीक नाउ नेक्स्ट वीक इज एक्चुअली फ्यूचर राइट तो अड़ी तरह प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर जाहिर करे तो इतने प्रेजेंट सिंपल पास जाहिर करे तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट जाहिर ही ना तो करे ठीक है। He comes to meet me tonight. हू अज रात मूसा मिलना चे तो वॉट इज टू नाइट टू नाइट इज अगेन फ्यूचर वो प्रेजेंट सिंपल जाहिर कह। अच्छा हाँ अस पढ़ा प्रेजेंट सिंपल जो इम्फेटिक यूज ऑफ डू हाँ तम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ी आया आयो या तो इम्फेटिक प्रोनाउन माई सेल्फ इमसेल्फ दिम सेल्फ हर सेल्फ ठीक है जो सब्जेक्ट का लगन उनमें भी असा शिद्दत के इजहारींदा आयो सागे नमूने प्रेजेंट सिंपल में जो डू आो इम्फेटिक के लिए इस्तेमाल याद रखो प्रेजेंट सिंपल में डू डज बिन तरीकन से इस्तेमाल जैसे तुम जुमलन के अफर्मेटिव में इंट्रागेटिव नेगेटिव ठा तो उतने डू डज लगन बो अस डू डज इस्तेमाल क्या प्रेजेंट सिंपल में लाइ जैसे अस कें जोर दूँ कें शिद्दत से कें शारूँ फर्ज कर आई हेट यू मैं जुमलो तो चवा तो नफरत क्या तो पर जैसे मुख्य इन में शिद्दत आनी है जैसे इन में मुख्य फोर्स आनो आने खबर तो लिखंदुम आई डू हेट यू वाई आई डू हेट यू छे जो डू जो इस्तेमाल यो इन कर ना कि इनके नेगेटिव करो या इंट्रागेटिव करो एज आई से ऑलरेडी तो बबा जो डू आज आो इंट्रागेटिव नेगेटिव के लिए इस्तेमाल इम्फेटिक के लिए इस्तेमाल याद रखो यह गाल अड़ी तरह से वी डू अंडरस्टैंड एवरीथिंग हाँ वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग गाल सादी आ पर जैसे अस चो ना वी डू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन जो मतलब है तो असी पोजिशन आो क्लियर उत अगे आनींदा आयो ठीक है। सो हाँ इतने लगन शी डज हाँ जहर है जैसे डज लगो तो ही एस इतना खत्म थी वी शी डज हेल्प अदर्स एंड इतने भी अस डज हणंदी ही आता एस रिमूव थी वो ही डज फील बैड। So this is the emphatic use of do and does. I repeat again, as we use do and does for interrogative and negative sentences, we can use do and does for emphatic sentences in present simple tense. So aj tai aj je lai etro kafi a par panjo present simple anja khatam na aayo thyo subhane with some important you know discussions I'll be coming up again present simple mein kuch kam jo shayun han इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स लाइ वो पा सुे डिस्कस कंदी अज जला बाबा एतरो ही काफ़ी आ थैंक यू सी यू अगेन।